आपके लिए लाए हैं बथुआ और उड़द की दाल की रेसिपी। इसको साग पेठा भी बोलते हैं और विंटर में बथुआ बहुत फ्रेश आता है और ज्यादा क्वांटिटी में भी आता है और बथुआ ज्यादातर विंटर में ही मिलता है। और इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं आज हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। बहुत ट्रेडिशनल दाल है और झटपट बन जाती है कम इंग्रीडियंट के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और यहाँ पे मैंने आधा कप उड़द की दाल ली है, साबुत वाली, छिलके वाली। आप यहाँ पे कोई सी भी दाल ले सकते हैं, दरी हुई भी उड़द की दाल ले सकते हैं, लेकिन एक बार ये साबुत दाल के साथ बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और एक कप हमने बथुआ लिया है जिसको हमने अच्छे से धो करके बारीक सा काट लिया है और इसको दो तीन पानी से जरूर धोएं क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसको धो करके बारीक सा काट लें। और इसी कप से, एक जो कप हमने बथुआ लिया था उसी कप से हम पानी नाप करके रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि साबुत उड़द की दाल हमने ली है, ये पानी ज्यादा सोक करती है और इसको गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दाल से। तो 3 कप हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ चीजें और डालेंगे। इसमें ज्यादा मसाले इस दाल में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, लेकिन जो भी चीजें डालेंगे उनका फ्लेवर इसमें खुल के आता है। तो यहाँ पे हमने गार्लिक लिया है जिसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब हमने गार्लिक लिया और बिल्कुल फाइन चॉप करके डाले। और जिंजर हमने 2 टेबल स्पून लिया है, जिंजर ज्यादा जाती है क्योंकि उड़द की दाल बथुआ ये में जो बालीपन होता है उनको जो है दूर करने के लिए यहाँ पे जिंजर डालना बहुत जरूरी है। और करीब 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे हरी मिर्च को भी बारीक करके डाला है और नमक डाल देंगे 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए इस दाल में 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे दाल का कलर अच्छा आ जाएगा। अब सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे और इस पर लिड लगा देंगे। पहले हाई फ्लेम पे 1 सीटी दिलाएंगे और फिर बाद में इसको लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। तो करीब 15 मिनट हो चुकी है, अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर जब बिल्कुल रिलीज हो जाए तब अपनी दाल को चेक करें। तो ये देखिए अब हम दाल को चेक कर लेंगे और दाल अच्छे से गल गई है, इसको देखने से ही लग रहा है कि ये दाल काफी अच्छे से गल गई है। लेकिन आप देखें अभी ये जो है खड़ी खड़ी सी दाल है और जब बथुआ और दाल अलग अलग लग रही है। अब हम इस तरीके की मथानी लेंगे, घर में सारे सबके घर में ही इस तरीके की मथानी होती है, बस इसको हमें दाल को अच्छे से घोटना है कि दाल और बथुआ आपस में अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने दाल को घोट लिया है और ये काफी अच्छे से, ये देखिए कितनी बढ़िया सी जो है गाढ़ापन दाल में आ गया है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच मकई के आटे को पानी में अच्छे से घोल लिया है। ये डालने से जो है दाल में एक रिचनेस आएगी और दाल काफी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और जो भी दाल और बथुआ जो है अलग अलग है वो भी आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये डालने के बाद हमें इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लें, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो है जो हमने मकई का आटा डाला है उसका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से 2 मिनट के लिए हमें इसको बॉईल करना है। तो ये देखिए दाल हमारी तैयार है, अब इसका बढ़िया सा तड़का तैयार करते हैं। तो मेन देखिए दाल में तड़का ही होता है, जितना तड़का जब तक नहीं लगेगा बढ़िया तो दाल में मजा नहीं आता है। लगाने के लिए यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 चम्मच यहाँ पे देसी घी लेंगे और देसी घी का इस्तेमाल करें। लेकिन देसी घी से जो टेस्ट आता है इस दाल में वो आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने डाला था, अब इसमें कुछ चीजें और डालेंगे। मेल्ट होने के बाद गार्लिक लिया है 1 चम्मच, इसको हमने काट लिया है, 1 चम्मच जीरा है और हींग ली हमने 1 पिंच और थोड़ा सा हमने प्याज लिया है और 2 साबुत लाल मिर्च ली है। अब इन सब चीजों को एक साथ डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें अनियन को पकाना है जब तक कि इसमें प्यारा सा ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं और बराबर चलाते हुए पकाएं, तड़का हमारा लगना नहीं चाहिए। तो ये देखिए तड़का हमारा तैयार है, अब दाल को सर्व करेंगे, फिर हम ये तड़का अपनी दाल पे लगाएंगे। तो
तो दाल को सबसे पहले सर्व कर लेंगे। अब ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है, आप देख सकती हैं दाल जो है थोड़ी सी जो है गाढ़ी रखी जाती है, पतली नहीं अच्छी लगती है, तो इसको थोड़ा सा जो है गाढ़ा रखें। और जो हमने मकई का आटा डाला है ना, उससे जो है इस दाल में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया सी गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए हमने दाल के ऊपर तड़का भी डाल दिया है, बढ़िया सी हमारा साग पेठा तैयार है और बथुआ दाल तैयार है। आपने देखा कितनी जल्दी ये दाल बन गई। आप इसको मकई की रोटी के साथ या फिर आप चावल के साथ इसको सर्व करें, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, आपको भी ये दाल बहुत अच्छी लगेगी, तो इस दाल को जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।